मॉर्निंग स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स इन माई प्रीवियस वीडियो यू गॉट बैजू बावरा चैप्टर 7 हाफ स्टोरी यू गॉट है ना। तो आज मैं आप लोगों को जो बची हुई कहानी है वो एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। तो आपने क्या समझा कि जो हिरन थे वो चौंक कर भाग खड़े हुए और उनके पीछे उनका झुंड भी भाग गया। वो हिरन जो थे गाने की वजह से वो एकदम अपने सुध-बुध को खो बैठे थे और बैजू बावरा जो गाना गा रहे थे तो उनकी गाने की वजह से वो अपना सुध-बुध खो बैठे थे और एक जगह खड़े हो गए थे। लेकिन जब माणिक वाली माला उनके गले में बैजू ने डाली तो क्या हुआ कि हिरन भाग खड़े हुए स्पर्श पाकर। अब तानसेन की बारी थी। बैजू ने बादशाह से कहा कि महाराज, यदि तानसेन अपनी संगीत कला से हिरनों को वापस बुला सकें तो मैं अपनी हार मान लूँगा। अब तानसेन ने अपनी रागनी की तान छेड़ी। वह देर तक गाता रहा किंतु कोई भी हिरन पास नहीं आया। इस पर तानसेन थोड़ा गुस्सा हुए और बोले, महाराज हिरन तो ठहरे पशु, उन्हें संगीत से क्या लेना देना है। तो वे वैसे ही इधर आ गए थे तो उनकी बात को बादशाह सुनकर बोले, चलो ठीक है, एक बार फिर आजमाइश कर ही लेते हैं। होनहार युवक, यदि तुम अपने संगीत के प्रभाव से उन हिरणों को पुनः वापस बुला लो तो मैं तुमको विजेता मान लिया जाएगा तुमको। बैजू के कंठ ने फिर अपना कमाल दिखाया। हिरणों का झुंड फिर से वापस चला आया। बैजू ने हिरण के गले से माणिक माला उतारी तो हिरण फिर से वापस भाग खड़े हुए। मतलब बैजू बावरा का जो आवाज़ था वो इतना सुरीला था और इतना मंत्रमुग्ध कर देता था उनके उनके जो कंठ से आवाज़ निकलती थी कि हिरन भी दौड़ के चले आते थे अपने झुंड में। और किसी भी तरह का जब स्पर्श होता था उन्हें तब उन्हें ख्याल आता था हिरन को कि अरे हम लोग मनुष्यों के बीच में आकर खड़े हो चुके हैं। तो बादशाह बोले, तानसेन तुम्हारी हार हुई, तुम्हें सजा तो भुगतना ही पड़ेगा। बादशाह तानसेन को बोले, क्योंकि वो तो वहाँ का नियम ही था। इस पर बैजू बावरा बोला, महाराज वर्षों पहले की बात है, उस समय साधुओं की एक मंडली को दंड भोगना पड़ा था, उनमें मेरे पिता भी थे। मैंने तानसेन को पराजित करके उस घटना का बदला ले लिया है। मेरे गुरु ने मुझे हिंसा से बचने की शिक्षा दी है, अतः मुझे इनके प्राण नहीं चाहिए, मुझे तो आपके पुरस्कार के रूप में दो चीज़ें चाहिए, तानसेन का जीवन दान तथा आगरा में गाने की स्वतंत्रता। बादशाह ने तुरंत बैजू की ये दो इच्छाएं पूरी कर दी। स्टूडेंट्स तो देखिए, लाइफ स्किल क्या है कि जीवन के कई क्षेत्र हैं जिनमें अपनी अपनी रुचि के अनुसार लोग परिश्रम तथा लगन के बल पर दक्षता अर्जित करते हैं, है ना, तथा धन व यश दोनों प्राप्त कर लेते हैं। साहित्य, विज्ञान, खेल, संगीत, नृत्य आदि, जिस किसी क्षेत्र में रुचि हो उसमें उसी में अपना परिश्रम के बल पर सम्मान अर्जित किया जा सकता है। अतः तुम अपने अंदर पनप रही रुचि को विकसित करने का प्रयास करो तथा अपने परिश्रम तथा लगन के बल पर उसमें सफलता प्राप्त करने का निश्चय करो। तो ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अब आप लोग आगे क्या करेंगे, अपनी नोटबुक में शब्द और उनके अर्थ लिखेंगे। नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में लिखना है आपको। और ये देखिए स्टूडेंट्स, पार्ट 7 का है बैजू बावरा जो है कहानी आप लोगों को अभी बताया गया, तो उसका प्रश्न उत्तर है। इसको मैं व्हाट्सएप में भी पिक सेंड कर दूंगी जिससे कि आप लोग को आसानी होगी। मे बी आपको इसमें अच्छे से क्लियरली नहीं दिखता होगा वीडियो में, तो जिनको वीडियो से परेशानी हो अगर तो मैं व्हाट्सएप कर दूंगी, उस व्हाट्सएप में भी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 का है ये आंसर, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, बालक बैजनाथ वृंदावन में किससे मिला, उसका आंसर ये है। क्वेश्चन नंबर 2 है, बालक बैजू के मन में क्या विचार उमड़ता रहता था और क्यों, तो उसका आंसर ये है। क्वेश्चन नंबर 3 है,
स्वामी हरिदास ने बालक को क्या समझाया? तो थ्री का आंसर ये है, फोर नंबर है, हिरणों के झुंड को ना बुला पाने पर तानसेन ने क्या कहा? क्वेश्चन नंबर फोर का ये आंसर है, हिरणों के झुंड को। क्वेश्चन नंबर फाइव है, हिंसा और अथवा वैर हमारे लिए बुरा क्यों होता है? क्वेश्चन नंबर फाइव का आंसर है ये। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, बादशाह ने बैजू की कौन सी दो इच्छाएं पूरी की? क्वेश्चन नंबर सिक्स का ये आंसर है। आप लोग अपने हिंदी रीडर के नोटबुक में नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में लिखोगे और इसको लर्न भी करोगे जल्दी जल्दी, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाला है इसलिए। थैंक यू।